तो अब यह मेथड उन्होंने किया है कि जिस डिवाइस पे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उसी मोबाइल को वो पूछता है कि इसे ट्रस्टी डिवाइस में ऐड कर दिया जाए या फिर बाइंडिंग डिवाइस में ऐड कर दिया जाए वहाँ पे ओ आता है तो आप अलो कर देते हैं इस तरह आपका जो मोबाइल है जिस पर आप अपनी बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रस्टेड डिवाइस में ऐड कर दिया जाता है जब आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं या फिर फॉर्मेट करते हैं तो उस बैंकिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो तब ये एरर आपको देखने को मिलता है अब इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है इसे ठीक करने के लिए आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ेगी अपने बैंक के जो हेल्पलाइन है उस पर आपने कॉल करनी है जब भी आप अपने मोबाइल को रीसेट करें तो आपने क्या करना है मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर जो भी आपके बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर जाना है सेटिंग्स पे आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको ट्रस्टेड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है उसे आपने अपना जो डिवाइस है रिमूव करना है रिमूव करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल करनी है या फिर मोबाइल को फारवर्ड करना है अगर आपने वैसे ही फारवर्ड कर दिया तो जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये एरर आ जाता है अब हर एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तो आपने क्या करना है जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी हेल्पलाइन पे आपने फ़ोन करना है और वहाँ पे आपने बताना है कि हमारा जो है वो ट्रस्टिंग डिवाइस या बाइंडिंग डिवाइस का इशू आ रहा है तो वहाँ पे आपने अपने सारी डिटेल अकाउंट एटीएम कार्ड अपना जो है सी एन नंबर आपने सारी अपनी डिटेल आपके पास होनी चाहिए उसके बाद आप कॉल कीजिएगा वहाँ पर आपसे हर डिटेल पूछेंगे आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तीन से चार ट्रांजेक्शन आपके पूछेंगे उसके बाद बैंक का जो बैलेंस है इस टाइम वो आपसे पूछेंगे इसके बाद आपका सी एन ए नंबर मोबाइल नंबर आपका नाम आपके वालदा का नाम उसके बाद आपका अकाउंट जिस ब्रांच में उसका जो है वो कोड पूछेंगे उसका कोड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आप कहेंगे एक मिनट का मैं देखता हूँ तो उस टाइम पे हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड ना किया जाए इसलिए सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जैसे ही वो पूछे आपने फ़ौरन जवाब देना है इसका सिर्फ एक ही हल है वो है हेल्पलाइन पर फ़ोन करना तो फ़ोन करके ये आप इसे रिमूव करवा सकते हैं और दोबारा जब आप लॉग इन करेंगे तो वो पूछेगा इस डिवाइस को हम आपके जो है ट्रस्टेड डिवाइस के लिस्ट में ऐड कर दें तो आप जैसे ही लॉग करेंगे तो आपका मोबाइल ट्रस्टेड डिवाइस में ऐड हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो मैनुअल है आप एप्लीकेशन में जाकर कर वहाँ पर ऐड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं डिवाइस तो ये दो ऑप्शन है अगर आपके पास एक्सेस है तो आप अपना नया डिवाइस ऐड कर सकते हैं ट्रस्टेड लिस्ट में अगर एक्सेस नहीं है तो आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा नीचे कमेंट कीजिएगा और आईटा कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगली वीडियो में फिर आदर होंगे अल्लाह हाँ।